हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास 11 बायोलॉजी को हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं आज। चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उससे आपके दो टॉपिक मेरे ख्याल से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहाँ से पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक तो थायरॉयड ग्लैंड को पढ़ जाइए और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल को पढ़ जाइए, अगर आप सिलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो। वैसे तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो गट फीलिंग आ रही है वो कह रही है जी कि थायरॉयड ग्लैंड को आप कंसिडर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ के जाइए और कॉर्टिसोल को पढ़ के जाइए। तो चलिए हम लोग लगाते हैं थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ टू लोब विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों तरफ हैं। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ठीक, द थायरॉयड ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायरॉयड ग्लैंड में आपको फॉलिकल्स मिल रहे हैं, स्ट्रोमा मिल रहा है, स्ट्रोमा में आपको पैराफॉरिकुलर सेल्स मिलेंगी जो सिक्रेट करती हैं कैल्सिटोनिन। ईस्ट थायरॉयड ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इन क्लोजिंग अ कैविटी। थायरॉयड फॉलिकल किसकी बनी हुई है? फॉलिकुलर सेल्स की। दिस फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज टू हारमोन्स, टेट्राइडोथायरोडीन जिसको हम थायरोक्सिन बोल रहे हैं एंड ट्राइआइडोथायरोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायरॉयड। ठीक है जी, चलिए आगे चले। ये एक अलग से मैंने थोड़ा ऐड ऑन कर दिया। लोकेशन कहाँ पे है थायरॉयड ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन और स्ट्रक्चर की बात करें, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड एंटीरियर टू द थायरॉयड कार्टिलेज, थायरॉयड कार्टिलेज के आगे लोकेटेड है, ऑफ द लैरिंग्स इन द नेक, नेक में लोकेटेड है। दिस ग्लैंड इज वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, बाइलोब्ड ऑर्गन है, टू लोब्स कनेक्टेड बाय नैरो स्ट्रक्चर कॉल्ड इस्थमस। सब वही बातें हैं जो पिछली स्लाइड में थी। एक तो बातें आपको यहाँ पे नहीं पता लगी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, साथ के साथ थायरॉयड कार्टिलेज लैरिंग्स के ये आगे सिचुएटेड है नेक में। दिस ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेट करता है TSH, वो इसको एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रेटिंग हार्मोन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, फिर आपकी लाइन है आपकी NCERT की, इन अवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की डाइट में तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गॉइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। क्रिटिनिज्म जिसको बोल रहे हैं, ये क्रिटिनिज्म और वहाँ पर ड्रॉफिज्म जो हो रहा है ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से, इसका कंपैरिजन जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या हो रहा है। क्रिटिनिज्म हो रहा, ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन ये ड्रॉप जो ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्रॉप हो रहा, फ़र्क ये है कि ये जो ड्रॉप होता है इसका IQ लेवल कम होता है जबकि वहाँ पर नॉर्मल होता है। मेंटली रिटार्ड होगा क्योंकि आयोडीन बहुत ज़्यादा, थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज़। तो यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन हो गया क्योंकि ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, लो IQ लेवल होगा, बिल्कुल ठीक बात है, नॉर्मल स्किन होगी। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म याद रख लीजिएगा। आगे, इन एडल्ट वूमेन हाइपोथायरॉयडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इररेगुलर। ठीक जी, हाइपोथायरॉयडिज्म से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इररेगुलर हो सकता है ड्यू टू कैंसर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल। अगर थायरॉयड ग्लैंड का कैंसर हो गया या डेवलपमेंट नोड्यूल हो गए, नोड्यूल डेवलप हो गए थायरॉयड ग्लैंड में, तो सिंथेसिस रेट बढ़ जाएगा किसका? थायरॉक्सिन वगैरह का, T3 T4 का। सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन इंक्रीज टू एबनॉर्मली हाई लेवल लीडिंग टू कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा विद एडवर्सली इफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको इस फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर हो गया, कैरेक्टराइज बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, BMR बढ़ जाएगा, इंक्रीज BMR एंड वेट लॉस, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव डिजीज। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर को ही हम लोग ग्रेव डिजीज बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। थायरॉयड हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ BMR। तो थायरॉयड हार्मोन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दिस हार्मोन आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो देखिए, बेसल BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में, रेगुलेशन करने में इसका रोल है, रेड ब्लड सेल्स मेंटेन करने में इसका रोल है। थायरॉयड हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तीनों का ही। तो BMR को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, B स्टैंड्स फॉर
बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक रेट, आर फॉर रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में एंड एम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय थायराइड हार्मोन, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड्स ऑल्सो सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है जी, ये सब आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में दो चार बातें और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैलिसीमिक हाइपोफॉस्फेटिमिक, तो ये कैल्शियम लेवल को लो करेगा, फॉस्फेट के लेवल को लो करेगा। पेप्टाइड हार्मोन है, पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स सेक्रेट करती हैं किसको, कैल्सिटोनिन को, और इसी का दूसरा नाम थायरोकैल्सिटोनिन है। इट चेक्स एक्सेस प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाय डिक्रीजिंग मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है या फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ है तो कैल्सिटोनिन एक्शन में आ जाएगा और लो करवाएगा इनका लेवल। कैसे लो करवाएगा, डिक्रीज कर देगा मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन, तो ऑस्टियोक्लास की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा एंड प्रिवेंशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। साथ के साथ रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में जो हो रहा है ट्यूबलस में, उनकी ये रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कराएगा, रोकेगा। द हार्मोन हैज अपोजिट इफेक्ट टू पैराथार्मोन। तो 2022 में पैराथार्मोन आया था, इस बार मेरे को पूरी उम्मीद है आपको कैल्सिटोनिन या थायराइड हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलना चाहिए। द हार्मोन हैज अपोजिट इफेक्ट टू पैराथार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्योंकि उस समय ऑस्टियोक्लास की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बोन का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बोन स्पंजी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा निकल जाएगा। अगर डेफिशिएंसी कैल्सिटोनिन की होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। ये एक्स्ट्रा कुछ बातें हैं जो मैंने आपके यहाँ पे नोट करी है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड में आपको क्या मिल रहा है, थायराइड ग्लैंड में आपको मिल रहे हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स और हमारे फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका थायराइड ग्लैंड के बारे में जानकारी। आइए ये रहा एक क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ये आपके फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स हैं, और ये आपके जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में पेरिफॉलिकुलर सेल्स हैं जिनको हम लोग सी सेल्स भी बोलते हैं। इतना याद रख लीजिएगा, आपका थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड काम चलेगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। कैल्सिटोनिन इज नॉन आयोडाइज, हाँ जी कैल्सिटोनिन नॉन आयोडाइज होता है। अच्छा, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इनका कैसे हो रहा है सिंथेसिस, ये बात भी आप एक जगह यहाँ पे लिखी है कि वो भी आपको दिखा दूँ। आयोडीन को अटैच करवाया जा रहा है किससे, आयोडीन का थायराइड ग्लैंड, जी हाँ आइए जी, T3 T4 का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, बाय अटैचिंग आयोडाइन टू टायरोसिन अमीनो एसिड। ये भी नोट कर लीजिए यहाँ से, लाइक आयोडीन अटैच हुआ टायरोसिन अमीनो एसिड से और T3 T4 का सिंथेसिस हुआ। एक चीज़ और आपको मैं खास तौर पे बताना चाहता था, उसको भी देख लेते हैं। देखिए T3 T4 में T3 सीक्रेटेड इन स्मॉलर अमाउंट बट इज़ मोर एक्टिव, एंड ये ज़्यादा एक्टिव है और मोर पोटेंट है, सेवरल टाइम्स मोर पोटेंट देन T4। T4 इज़ कन्वर्टेड टू T3 बाय रिमूवल ऑफ 1 आयोडीन इन लीवर किडनी एंड सम अदर टिश्यू। T4 से अगर एक आयोडीन रिमूव हो जाएगा तो T3 जनरेट होगा। ये बात, दो बातें, एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप ये नोट करना चाहें अपनी बुक में नोट कर लें। हो गया जी, चलिए कैल्सिटोनिन की भी बात होगी। ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट वन। कैल्सिटोनिन इज नॉन आयोडाइज, हाँ जी कैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल सिक्रेट कर रही है, नॉन आयोडाइज है, जबकि हमारा T4 T3 आयोडाइज है। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल और सी सेल्स इनको बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल, हाँ जी पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ इसका रोल है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में। कैल्सिटोनिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, हाँ जी कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैलिसिमिक एंड हाइपोफॉस्फेटिमिक। तो पाँचों ही स्टेटमेंट ठीक है आपका हो जाएगा, सारी ही बातें ठीक, आप चुन लीजिए ऑप्शन सी को। आइए एप्सोथर्मिक गोइटर को खास तौर पर पढ़ के जाइएगा, और हो गया ये आपका क्वेश्चन पूरा। अब हम लोग चलते हैं, एक चीज़ आपसे और मैं कह रहा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को आप पढ़ लीजिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे चलते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार मिलना चाहिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स 180 स्लाइड 180 नहीं, एक मिनट, हाँ जी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भाई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेन ग्लूकोकॉइड्स है कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स
कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। आपकी बुक में कॉर्टिसोल का ही जिक्र है, पढ़ जाइए। इसेंशियल फॉर लाइफ है, सिक्रेटेड बाय जोना फेसिकुलेटा, तो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना फेसिकुलेटा जोन इसको सिक्रेट कर रही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी बुक की लाइन है, पेज नंबर 337 पे मेंशन है। लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस आप जानते ही होंगे, ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस लिपिड की लिसिस, प्रोटियोलिसिस प्रोटीन की लिसिस, एंड इनिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है जी। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। कॉर्टिसोल का रोल कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में भी है, किडनी फंक्शन को मेंटेन करने में भी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है साथ के साथ इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आ गया, इसको मैंने कहा आप पढ़नी हर चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉर्टिसोल को मेनली डिस्कस करना चाहता हूँ। कॉर्टिसोल इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, कॉर्टिसोल प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेज इन द बॉडी दैट कॉज इन्फ्लेमेशन, तो ये एक्स्ट्रा आपकी स्लाइड मैंने जोड़ रखी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ऐसे सब्सटेंस रिलीज कराता है, प्रिवेंट्स ऐसे सब्सटेंस का रिलीज प्रिवेंट कराता है जो इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आ जाएगा। इट इज़ यूज टू ट्रीट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर एक्टिविटी ऑफ बी सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। थोड़ा सा हैवी हो गई लाइन, छोड़ दीजिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसको याद रख लीजिए। ये ऐसे सब्सटेंसेस का रिलीज प्रिवेंट कराता है जो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग एजेंट है। कॉर्टिकोसोल इज ऑल्सो इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस कर देगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉज इम्यूनो सप्रेशन, डिक्रीजिंग द फंक्शन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स इंक्लूडिंग बोथ बी सेल एंड टी सेल, बोथ बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स दोनों का नंबर ऑफ फंक्शन डिक्रीज कर देगा, मोनोसाइट्स का भी मैक्रोफेजेस का भी। दिस सप्रेशन इफ लार्ज इनफ कैन कॉज मैनिफेस्टेशन ऑफ इम्यूनोडेफिशेंसी, अगर जरूरत से ज़्यादा सप्रेशन हो गया तो इम्यूनोडेफिशेंसी के मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, सिम्टम्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग टी सेल डेफिशेंसी ह्यूमोरल इम्यून डेफिशेंसी। इट सप्रेसेज द सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय इनिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो मेनली आपको याद रखना है कि इम्यूनो सप्रेसिव है साथ के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दिस इज द रीजन वाई कॉर्टिसोल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, इसलिए हम लोग इसको एलर्जी क्या है, एलर्जी है हमारे इम्यून सिस्टम का एक्सेलरेटिव रिस्पॉन्स, तो उसको ये क्या करेगा, कॉर्टिसोल इज यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव होने की वजह से इसको हम लोग एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। हार्मोन इंक्रीजेज द आरबीसी काउंट बट डिक्रीजेज द डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट बढ़ाएगा डब्ल्यूबीसी काउंट कम करेगा। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल, इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, ठीक आपकी बुक एनसीईआरटी में दे रखा है। कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। सप्रेसेज इम्यून सिस्टम, हम लोगों ने पढ़ा। स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक स्टिमुलेट्स डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन, ये इसका फंक्शन नहीं है बल्कि ये क्या कर रहा है, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा। द हार्मोन इंक्रीजेज द आरबीसी काउंट बट डिक्रीजेज द डब्ल्यूबीसी काउंट, तो ये वाला आपको ऑप्शन चुन लेना है। तो आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल को ध्यान से पढ़ के जाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। साथ में थायराइड ग्लैंड को पढ़ के जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए, ठीक है जी। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर को पढ़ के जाइए, जैसा कि मैंने आपको बोला एक्सोप्थैल्मिक गोइटर ग्रेव डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म, इसको आप पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।